ओ, यहाँ हो तुम। मैं हर जगह तुम्हें ही ढूंढ रहा था। पता नहीं मैं अपनी आंखों के बिना आखिर क्या करता। हे, तो क्यों ना हम आज तुम्हारी आंखों के बारे में बात करें। हाँ, आंखें देखने में मदद करती हैं, रंगों को और इस वीडियो को भी। तो बात करते हैं आंखें कैसे काम करती हैं। ज़ूम इन। देखो, इंसानी आंखें किसी डिजिटल कैमरे से कम काम नहीं करती। ये जो इतनी सारी चीजें हम देख पा रहे हैं, इनकी एक प्रोसेस है। चलो मैं बताता हूँ कि असल में हमारी आंखों के अंदर होता क्या है। ये है कॉर्निया। कॉर्निया आंखों का साफ फ्रंट सरफेस होता है। पता है, ये असल में बिल्कुल कैमरा लेंस की तरह होता है। आप कह सकते हैं कि एक तरह से ये वो खिड़की है जो प्रकाश को अंदर आने देती है। इसके बाद होता है आयरिस, जो आंख के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है, पतला और गोल। ये काम करता है कैमरा शटर की तरह। ये तय करता है कि लाइट की कितनी मात्रा आंख के अंदर जानी चाहिए। ये प्रकाश की किरणों को आंख के पीछे भेजता है, जिसे कहते हैं प्यूपिल, जो कि ब्लैक होल जैसा दिखता है आयरिस के बिल्कुल बीचों बीच। और ये वो ओपनिंग है जिससे लाइट आंख के अंदर जाती है। लाइट की मात्रा पर डिपेंड करते हुए आयरिस स्ट्रेच करता है और प्यूपिल को कॉन्ट्रैक्ट करता है, बिल्कुल जैसे कैमरा का एपिचर काम करता है। इसके बाद आता है आंख का लेंस, जो बस प्यूपिल के एकदम पीछे है। ओके, इस एक्सपेरिमेंट को करो। एक आंख बंद करो और एक पेंसिल को उस आंख के करीब ले आओ जो खुली हुई है। ध्यान रहे कि ये साफ साफ दिखाई दे। अब पेंसिल को आंख के करीब ले जाओ और करीब करो, और ज्यादा। बिल्कुल सही। क्या ये धुंधली दिखती है? तो यही हमारी आंख के लेंस का काम है। ये फोकस और डीफोकस करता है इस पर डिपेंड करते हुए कि कोई वस्तु हमारी आंख से कितनी दूर है। तो अब लाइट रेटिना तक पहुंचती है। ये एक डिजिटल कैमरा के इमेज सेंसर की तरह काम करता है। आसान शब्दों में कहें तो ये लाइट को कन्वर्ट करता है, जो हम तक पहुंचती है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स के रूप में। इसके बाद आंख की ऑप्टिक नर्व उन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को ब्रेन तक पहुंचाती है, जो कि हमें उस वस्तु को देखने के लिए मदद करता है। वैसे रेटिना चीजों को उल्टी तरफ से परसीव करती है, और असल में हमारा ब्रेन इमेज को सीधा करने का काम करता है। है ना ये अद्भुत प्यारे दोस्तों? ट्रिविया टाइम। इंसान औसतन 1 मिनट में 17 बार पलक झपकता है। एक आंख 2 मिलियन से ज्यादा वर्किंग पार्ट से मिलकर बनती है। कितना अच्छा होता अगर हमारी आंखें फोटो खींचकर हमारे दिमाग में रख पाती हमेशा के लिए। पर लगता है कि ऐसा होता है, और ये होता है यादों के रूप में। तो दोस्तों, अपने आसपास की दुनिया को देखो, याद रखो खूब सारी यादें। अगली बार फिर मिलूंगा कुछ और फन फैक्ट्स के साथ। मैं डॉक्टर बायनॉक्स, ज़ूमिंग आउट।